हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनेक्डोटा स्टडी हब। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका चैप्टर फर्स्ट राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और जो बुक फर्स्ट था समकालीन विश्व राजनीति, उसके सभी चैप्टर्स के जो थ्योरी एक्सप्लेनेशन के वीडियो हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो अगर उसे आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आके उसे देखें, उसके बाद जो बुक सेकंड है उसकी वीडियो देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह जो वीडियो होगा सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड या फिर अन्य किसी भी बोर्ड अदर बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है जिनके सिलेबस में एनसीईआरटी बेस्ड, उनका जो सिलेबस है एनसीईआरटी बेस्ड है, तो यह वीडियो उनके लिए लाभदायक होने वाला है। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी प्रश्न पूछने हो, तो आप हमें पर्सनली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूजर नेम है @abhishek200435। और इस क्लास की जो प्रेजेंटेशन है, जो पीडीएफ है, आपको अनेकडॉट स्टडी हब के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो आप इस चैनल से भी जुड़ना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह जो वीडियो होगा, यह जो चैप्टर है, दो पार्ट में विभाजित होगा, पार्ट वन और पार्ट टू। तो इस वीडियो में हम केवल पार्ट वन को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले देखेंगे स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि, आखिर जो स्वतंत्रता थी उसकी पृष्ठभूमि किस प्रकार हमने तैयार किया, स्वतंत्रता की मुख्य चुनौतियां कौन कौन सी थी, उसके बाद विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास देखेंगे, विभाजन की प्रक्रिया देखेंगे और अंत में देखेंगे विभाजन के आखिर परिणाम क्या हुए। तो ये सारे टॉपिक्स को हम पार्ट वन में कवर करेंगे, बचे हुए टॉपिक्स को पार्ट टू में कवर किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिखता है सन 1947 के 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आजाद हुआ। हिंदुस्तान की जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। हमारा जो भारत है 15 अगस्त के आजाद हुआ था और यहाँ की जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी कई वर्षों से कि आखिरकार हम उस दिन, कब वह दिन आएगा जिस दिन हम आजाद होंगे। आजादी की लड़ाई में दो बातों पर सबकी सहमति थी, जितने भी नागरिक थे भारत के वो दो बातों पर सहमत थे। पहली बात तो यह थी कि आजादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा, यानी जब हम आजाद हो जाएंगे तो जो यहाँ का शासन है वो लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा, ना कि तानाशाह के जरिए, या फिर राजशाही सरकार नहीं होगी बल्कि लोकतांत्रिक सरकारें होंगी। और दूसरी बात थी कि सरकार जो होगी सबके भले के लिए काम करेगी, यानी किसी भी खास तबकों को फायदा नहीं पहुंचाएगी, किसी खास समाज को फायदा नहीं पहुंचाएगी, बल्कि हर नागरिक के लिए, सबके लिए भले के काम करेगी। यह कोई आसान काम भी नहीं था। हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालातों में आजाद हुआ, जिन परिस्थितियों में आजाद हुआ, उस वक्त तक कोई भी मुल्क वैसे हालात में तो आजाद नहीं हुआ था जिस प्रकार भारत आजाद हुआ। यानी भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, एक गरीब देश था भारत, अंग्रेजों के द्वारा पूरा तरह से शोषण कर लिया गया था। आजादी मिली, हम आजाद तो हो गए लेकिन बंटवारे के साथ, भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए। सन 1947 का साल जो था, अभूतपूर्व हिंसा, यानी ऐसी हिंसा जो पहले कभी भी नहीं देखी गई, अभूतपूर्व हिंसा यानी पूरे जोर शोर से हिंसा हुई। और विस्थापन की त्रासदी का साल था, यानी उस साल बहुत बड़े पैमाने पर एक जगह से लोग दूसरे जगह को जाकर बसे और इस दौरान बहुत तो हिंसा देखने को मिली। मुख्य तौर पर भारत के सामने तीन तरह की चुनौतियां थी। पहली और तत्कालिक चुनौती क्या थी? तो पहली और तत्कालिक चुनौती एकता के सूत्र में बंधे भारत को गढ़ने की थी, यानी एक ऐसे भारत का निर्माण करना था जिसमें सभी को एकता के सूत्र में बांधे रखे, यानी किसी के मन में ऐसा भाव न उत्पन्न हो कि हम अलग देश बनाना चाहते हैं, हम इस धर्म को अपनाना चाहते हैं, इस धर्म के नाम पर एक अलग देश बनाना चाहते हैं, ऐसा नहीं था। सभी को एकता के सूत्र में किस प्रकार बांधा जाए, उन्हें एकत्र कैसे करके रखा जाए, इस पर ज्यादा फोकस था। भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो, यानी एक ऐसे भारत को गढ़ना था जहां भारतीय समाज की जितनी भी विविधताएं हैं वे सभी एक जगह समा जाएं। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था और बराबर है भी, यानी भारत के अगर क्षेत्रफल देखा जाए आजादी के दौरान और अभी भी, तो भारत कहीं ना कहीं एक महादेश के लगभग आता है। यहाँ की अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे, यानी यहाँ बहुत सी भाषाएं भी बोली जाती थी, अलग अलग धर्म के लोग थे, उनकी संस्कृति अलग थी और वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे, यानी यहाँ हर धर्म को मानने वाले लोग थे। उस वक्त
जिस वक्त भारत आजाद हुआ, आमतौर पर यही माना जा रहा था, लोगों को यही लग रहा था कि इतनी विविधता, इतनी डाइवर्सिटी से भरा कोई देश ज्यादा दिनों तक नहीं एकजुट रह सकता। यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, इतनी विविधता, इतनी सारी जो बोलियां बोली जाती हैं, इतनी भाषाएं हैं, कैसे आखिर कोई देश इतने सारे विविधता के बावजूद रह सकेगा, एकजुट रह सकेगा? ये प्रश्न लोगों के मन में उठ रहे थे। तो ये तो पहली चुनौती हो गई जो एकता के सूत्र में बांधने की थी। दूसरी चुनौती क्या है? तो दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को कायम करने की थी। यानी हमने देखा कि सब दो बातों पर सबकी सहमति थी, एक तो लोकतंत्र को कायम करना, तो ये जो लोकतंत्र को कायम करने की चुनौती थी ये भी बहुत गंभीर चुनौती थी। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया है। यानी भारत में संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र है, यानी यहाँ जो है लोगों ने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं, जो संसद में जाकर लोगों की भलाई के लिए नियम और कायदे कानून बनाते हैं। इन विशेषताओं से यह सुनिश्चित हो गई कि लोकतंत्र में राजनीतिक मुकाबले होंगे। यानी जब भारत में संसदीय प्रतिनिधित्व मूलक व्यवस्था को अपना लिया गया, तो इससे तो यह सुनिश्चित हो गया या कन्फर्म हो गया कि भारत में लोकतंत्र में राजनीतिक मुकाबले होंगे। यानी हर कोई अपनी सरकार बनाना चाहेगा, हर कोई जनता का दिल जीतना चाहेगा, जनता उसे वोट दे, ये मुकाबले होंगे, यानी इलेक्शन होंगे। लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है। अब लोकतांत्रिक सरकारें चलानी हैं तो इसके लिए तो संविधान जरूरी होगा ना, तो संविधान जरूरी होता है ताकि संविधान के अनुसार सभी कार्य कर सके। और संविधान के साथ साथ, संविधान ही काफी नहीं था, संविधान के साथ साथ चुनौती यह थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में है। अब लोकतंत्र हमने बना लिया है, लेकिन उस लोकतंत्र को चलाने के लिए एक संविधान चाहिए, और उस संविधान को अच्छे से मानने के लिए नियम कायदे कानून चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने संविधान तो बना लिया है, संविधान में अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं कि हमें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, लेकिन उसे व्यवहार बर्ताव में लाया नहीं जाए। यानी उसे हमें चलन में लाया ना जाए, सिर्फ कागज पे लिखी हुई बातें रह जाए, तो उसे थोड़ी ना देश आगे बढ़ेगा। यानी यही कहा जा रहा है कि व्यवहार बर्ताव में आना जरूरी है। तीसरी चुनौती क्या थी? तो तीसरी चुनौती ऐसे विकास की थी, यानी ऐसा डेवलपमेंट करना था जिससे समाज का भला हो, न कि किसी एक तबके का। यानी ऐसा विकास चाहिए था हमें जिससे पूरे समाज का, देश के हर नागरिक का भला हो, हर नागरिक विकास करे, ना कि कोई खास वर्ग, कोई खास तबका। इस मोर्चे पर भी संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि समानता का बर्ताव किया जाएगा। सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक, सांस्कृतिक, अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा भी दी जाएगी। यहाँ तो यह बात साफ कर दी गई थी कि सभी को एक समान समझा जाएगा और सभी के लिए एक समान कानून भी बनाए जाएंगे। लेकिन विशेष बात यह कही गई कि जो सामाजिक रूप से वंचित हैं, जो समाज में उन्हें विशेष वरीयता नहीं दी गई है, सामाजिक रूप से जो वंचित तबके हैं जिन्हें समाज में उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक उन्हें कहा जाता है जिसकी संख्या बहुत ही कम होती है, चाहे वो भाषा के आधार पर या फिर कोई धर्म के आधार पर। यानी किसी खास धर्म के लोग अगर कम हैं तो उसे अल्पसंख्यक माना जाता है, या फिर किसी खास धर्म, सॉरी, किसी खास खास भाषा को बोलने वाले लोग अगर कम हैं तो उसे भाषाई रूप से अल्पसंख्यक माना जाता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जिनकी संख्या कम है उसे अल्पसंख्यक में रखा जाता है। तो सामाजिक रूप से वंचित तबकों या फिर धार्मिक, सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाएगी ताकि वो अपनी संस्कृति को, धर्म को बरकरार रख सके, उनका प्रचार प्रसार कर सके। तो ये बातें कही गई, ये तीन चुनौतियां थी भारत के समक्ष उस दौरान, जिस दौरान भारत आजाद हुआ। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है विभाजन। विभाजन का मतलब होता है दो अलग अलग देश बन जाना या फिर दो अलग अलग पार्ट में विभाजित हो जाना। तो विभाजन, विस्थापन मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाकर बस जाना, और पुनर्वास मीन्स होता है घर का निर्माण करके वहां पे, पुनर्वास मीन्स वहां रहना, किसी खास जगह पे निवास करना। तो विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, ये हमारा अगला टॉपिक है। लिखता है 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र, भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। यानी 15 अगस्त की रात्रि को दो राष्ट्र बने, एक तो भारत और दूसरा पाकिस्तान। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया, जो अभी तक ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, अब वो दो देश बन गए, एक तो भारत और एक पाकिस्तान। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसने की थी? तो मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी।
इस सिद्धांत के तहत हुआ क्या? तो इस सिद्धांत के अनुसार, द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार, भारत किसी एक कौम का नहीं, कौम का मतलब होता है धर्म, कौम का मतलब होता है धर्म। तो भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश था, ऐसा कहना किसका था? तो मुस्लिम लीग का कहना था। इस जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है उसमें यह बात कही गई थी कि जो भारत है वो दो कौमों का देश है, एक तो हिंदू है एक मुसलमान, यानी खासकर ये दो धर्म के लोग रहते हैं। और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की, क्योंकि उनका मानना था कि दो धर्म के लोग हिंदू और खासकर मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमें अलग देश चाहिए, पाकिस्तान की मांग उन्होंने जोर शोर से की। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी ने, कि हम पाकिस्तान की मांग का विरोध करते हैं, हम पाकिस्तान नाम के एक अलग देश नहीं बनाना चाहते हैं। और साथ साथ जो द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात कही गई थी कि दो राष्ट्र बनेंगे भारत से अलग होकर, तो उनका भी उन्होंने विरोध किया कांग्रेस ने। बहरहाल सन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कई बदलाव आए, राजनीतिक मोर्चे पर कई बदलाव आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों पर जोर रहा, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच टकराहट बढ़ी, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुई और ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों पर जोर रहा। नतीजतन हुआ यह कि पाकिस्तान की मांग आखिरकार मान ली गई, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा उपद्रव करने शुरू कर दिए थे पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान की मांग को लेकर उन्होंने अलग अलग मोर्चे अपनाने शुरू कर दिए। तो भारत के जो अच्छे नेता थे, जो महान नेता थे, उन्होंने सोचा कि आखिरकार ऐसा जो उपद्रव किए जा रहे हैं, जो हिंसा की जा रही है, उससे बढ़िया है कि हम पाकिस्तान की मांग मान ही लेते हैं ना चाहते हुए भी। तो उन्होंने पाकिस्तान की मांग आखिरकार मान ली। अब हम देखेंगे विभाजन की प्रक्रिया। आखिर जो विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान नाम की दो अलग अलग राष्ट्र बने, तो आखिर इसका प्रोसेस क्या था? ऐसा तो नहीं था कि अचानक से भारत में को पाकिस्तान से अलग कर दिया गया और भारत में से पाकिस्तान बना दिया गया, ऐसा तो था नहीं। तो इसकी एक प्रक्रिया होगी जो हम उस प्रक्रिया को समझेंगे। फैसला किया गया, फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों के बीच बांट दिया जाएगा। यानी अंग्रेजों ने यह फैसला किया कि अभी तक जिसको हम भारत ब्रिटिश इंडिया कहते थे उसे अब भारत और पाकिस्तान कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एक तरफ तो इंडिया कहा जाएगा और दूसरी तरफ पाकिस्तान कहा जाएगा। तो भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान नाम के दो देशों के बीच में बंटवारा होगा। तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्यक, अभी हमने अल्पसंख्यक की बात की थी जिसकी संख्या बहुत कम होती है, चाहे वो धर्म के हिसाब से हो या फिर भाषा के हिसाब से, लेकिन यहाँ एक बात, एक शब्द है बहुसंख्यक। तो बहुसंख्यक का मतलब होता है जिसकी संख्या बहुत ज्यादा हो, चाहे वो धर्म के आधार पे या फिर भाषा के आधार पे, यानी किसी खास धर्म के बोलने वाले लोग अगर ज्यादा हैं तो उसे भाषाई बहुसंख्यक कहेंगे, या फिर किसी खास धर्म के लोग बहुत ज्यादा हैं तो उसे धार्मिक बहुसंख्यक कहेंगे। तो इसमें तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्यक यानी धार्मिक रूप से जो बहुत ज्यादा हैं उनको विभाजन का आधार बनाया जाएगा। जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे, यानी जिन इलाकों में मुसलमानों की आबादी बहुत थी, वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे। ऐसा क्यों उन्होंने कहा? तो मुस्लिम लीग ने कहा। और शेष हिस्से जहां मुसलमान की संख्या कम है या फिर ना के बराबर है वो भारत कहलाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि जहां पाकिस्तान में, जहां मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा है, मुस्लिम आबादी घनघोर है, तो वो हिस्सा पाकिस्तान कहलाएगा। इन्होंने, मुस्लिम लीग ने ऐसी बात कही। ऐसे दो इलाके थे। अब बात हुआ कि आखिर कहाँ कहाँ मुस्लिमों की आबादी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे दो इलाके थे भारत में, वो दो इलाके कहाँ थे? तो जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी वे दो इलाके थे। एक इलाका तो पश्चिम में था और दूसरा इलाका पूर्व में था। इसे हम मैप पे समझेंगे, फिलहाल यहाँ देखिए। तो एक इलाका पश्चिम में था और दूसरा इलाका पूर्व में था। ऐसा कोई भी तरीका ना था कि इन दोनों को जोड़ दिया जाए और एक जगह कर दिया जाए। आखिर कैसे करेंगे? ये दो एक धरातल पर है, एक भूभाग पे है। आखिर कोई दूसरी चीज तो है नहीं कि हम उसे एक जगह से काट कर दूसरी जगह जोड़ सकते हैं। ये तो भूभाग है, एक जो पश्चिम में है और दूसरा पूर्व में, तो इन्हें हम कैसे एक जगह जोड़ सकते हैं? अब यहाँ आप मैप पे देख सकते हैं, ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका क्या कहलाता है? तो पूर्व का हिस्सा हो गया जहाँ मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा थी, और ये वाला हिस्सा जो है पाकिस्तान कहलाता है जहाँ भी मुसलमानों की बहुत ज्यादा आबादी थी। तो ये दो हिस्सों को आखिर एक जगह कैसे किया जाए? एक जगह करना तो असंभव है,
तो एक जगह नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है नहीं हो सकता एक जगह, तो हम यहाँ भी पाकिस्तान नाम का देश बनाएंगे और यहाँ भी पाकिस्तान नाम का देश बनाएंगे। तो इसीलिए ये पूर्व में था, इसलिए इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया, और ये पश्चिम में होने के कारण इसे पश्चिम पाकिस्तान कहा गया। लेकिन बाद में सिर्फ अभी पश्चिमी पाकिस्तान ही बचा हुआ है जिसे हम पाकिस्तान नाम से जानते हैं। ये जो है ये पूर्व वाला इलाका वो अब दूसरा देश बन गया था, उसकी भी कहानी समझेंगे आगे। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम बहुल हर इलाका, आगे लिखता है कि दूसरी बात तो यह थी कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी भी नहीं था। यानी हर मुसलमान थोड़ी ना सोचेगा कि हम पाकिस्तान में चले जाएं। कुछ मुसलमान थे जिनके आबादी बहुत ज्यादा थी, जो चाहते थे कि हम पाकिस्तान में चले जाएं, लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे भी थे जो नहीं जाना चाहते थे पाकिस्तान में। तो ये भी एक बड़ी समस्या थी। खान अब्दुल गफ्फार खां एक व्यक्ति थे, खान अब्दुल गफ्फार खां, जो पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत के एक निर्विवाद नेता थे। निर्विवाद का मतलब होता है जिस पर किसी भी प्रकार का विवाद ना हो, एक अच्छे व्यक्ति थे, अनडिस्प्यूटेड लीडर थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। और उनकी जो प्रसिद्धि थी सीमांत गांधी के रूप में ज्यादा फेमस थे, और साथ साथ वे द्विराज सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। वे भी नहीं चाहते थे, उन्होंने भी समर्थन इस बात का नहीं किया कि द्विराष्ट्र सिद्धांत बने, यानी भारत और पाकिस्तान नाम के दो अलग अलग देश बने, उन्होंने भी ऐसे बात नहीं की। वे एकदम सख्त विरोधी थे इसके। संयोग से उनकी आवाज की अनदेखी की गई, यानी उनकी बातों पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। तीसरी समस्या, ये तो दूसरी समस्या थी, तीसरी समस्या और भी विकट थी। वो क्या थी? तो ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक और गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। तीसरी समस्या में क्या थी? तो तीसरी समस्या और भी करती, जिसमें ब्रिटिश इंडिया के जो मुस्लिम बहुल प्रांत थे जो पंजाब और बंगाल में थे, यानी मुसलमानों की आबादी कहाँ कहाँ थी, तो पंजाब में और बंगाल में थी, उसमें अनेक हिस्से बहुल संख्यक और गैर मुस्लिम आबादी वाले भी थे। यानी मैप पे आप देखें, यहाँ पे ये जो इलाका है ये पूरा पंजाब वाला इलाका था, पूरा पंजाब वाला इलाका था। यहाँ पे पश्चिम बंगाल अभी देख रहे होंगे, लेकिन पहले पूरा का पूरा बंगाल कहलाता था। तो यहाँ पे मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा थी पश्चिम बंगाल वाले हिस्से में, और इधर पंजाब वाले हिस्से में। यहाँ मुसलमानों की, ये दो जगह ऐसे थे जहाँ मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि हम हिंदू और सिख जैसे लोग भी रहते थे, तो इनकी भी आबादी थोड़ी बहुत थी, लेकिन उतना नहीं थी जितना मुसलमानों की थी, लेकिन वे भी थे। तो ये भी समस्या थी कि पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से में गैर मुस्लिम लोग भी थे। ऐसे में फैसला हुआ, ऐसे में डिसीजन लिया गया कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा, यानी उसका बंटवारा किया जाएगा कि जहां जिसकी आबादी ज्यादा है उन इलाकों को पाकिस्तान और भारत में अलग अलग बांट दिया जाए। अगस्त 14-15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि तक यह फैसला नहीं हो पाया था कि आखिर पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है कि नहीं। इसका डिसीजन नहीं हुआ था कि भारत से पाकिस्तान नाम का एक अलग देश बना भी है कि नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि आजादी के दिन तक, यानी 15 अगस्त तक, अनेक लोगों को, कई लोगों को यह पता ही नहीं था, यह मालूम ही नहीं था कि वे भारत में रह रहे हैं या फिर पाकिस्तान में, क्योंकि आधिकारिक सूचना के तहत कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया था। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की त्रासदी, सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। अभी हमने पंजाब और बंगाल को दिखाया था मैप पे कि कहाँ दोनों स्थित हैं। तो ये जो इलाके थे पंजाब और बंगाल वाले, यहाँ मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा थी, और इसी के कारण विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। जितनी भी हिंसा हुई, मारकाट हुए, बहुत बड़े पैमाने पे यही इलाके में ज्यादा हुई। इसी समस्या से जुड़ी हुई चौथी और विभाजन की सबसे अबुझ कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी। बहुसंख्यक के आधार पे तो भारत का विभाजन हो गया और पाकिस्तान नाम के अलग देश बन गए मुस्लिमों के आधार पे, मुस्लिम आबादी के आधार पे, लेकिन एक कठिन जो समस्या थी अल्पसंख्यकों को लेकर भी थी। सीमा के दोनों तरफ, यानी जब भारत और पाकिस्तान बन गए तो पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे, यानी कुछ मुस्लिमों के इलाके में कुछ हिंदू और सिख लोग भी रहते थे, और हिंदुओं और सिखों के इलाके में कुछ मुस्लिम भी रहते थे। तो दोनों का हेरा फेरी होना असंभव था, या फिर जो लोग जाना चाहते थे वे जाने की कोशिश भी करे। जो इलाके अब पाकिस्तान में रहे हैं
जो इलाके अब पाकिस्तान में हैं, वहां लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। यानी जिन इलाकों में जो इलाके अब पाकिस्तान में चले गए, वहां भी हिंदू और सिख की आबादी थी। ठीक उसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। यानी भारत और पाकिस्तान का बंटवारा तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान में भी कई सारे लोग रह गए जो हिंदू और सिख के थे। ठीक उसी तरह भारत में भी कई सारे लोग रह गए जो मुस्लिम आबादी वाले थे। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों की बात करें तो दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी मुसलमानों की बड़ी आबादी थी। इन लोगों ने क्या पाया? इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने ही घर में विदेशी बन गए हैं। अब भारत का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान नाम का एक अलग देश बन गया, लेकिन जनता को पता ही नहीं है कि हम भारत में हैं या फिर पाकिस्तान में। कई सारे मुस्लिम भारत में अटके हुए हैं और कई सारे हिंदू और सिख और अन्य धर्मों के लोग पाकिस्तान में अटके हुए हैं। तो इन लोगों ने पाया कि हम अपने ही घर में विदेशी बन गए हैं। जहाँ हम रह रहे थे वो अब तो दूसरा देश बन चुका है। जिस भूभाग पर वे और उनके पुरखे सदियों से आबाद रहे, यानी रहते आ रहे थे, अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, उसी भूभाग पर उसी जमीन पर वे विदेशी बन गए। ठीक है, जैसे ही यह बात साफ हुई, जैसे ही यह बात क्लियर हो गया कि देश का बंटवारा हो गया है, वैसे ही दोनों तरफ के लोगों ने अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे और उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए। शुरू शुरू में लोगों को लगा, लोग बाग और नेता यही मानकर चल रहे थे कि हिंसा है और हिंसा की घटनाएं जो है अस्थायी होगी, थोड़े समय के लिए होंगी और जल्दी ही इनको काबू में भी कर लिया जाएगा प्रशासन के मदद से। लेकिन बड़ी जल्दी ही जो हिंसा है नियंत्रण से बाहर हो गई। सरकार का जो यह अनुमान था वो गलत साबित हो गया और जो हिंसा है बड़े पैमाने पर बढ़ गई। हिंसा जो है नियंत्रण से बाहर हो गई। दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र रास्ता यही बचा था कि वह अपने अपने घरों को छोड़ दो। यानी स्थिति यह हो गई कि जो लोग जो हिंदू और सिख आबादी पाकिस्तान में फंस गए, उनको पाकिस्तान वालों ने मार मार कर चूर दिया, और जो मुसलमान भारत में फंस गए उनको भी हिंदुओं और सिखों ने मार मार कर चूर दिया। यानी दोनों तरफ से हिंसा देखने को मिली, यानी अल्पसंख्यकों पे अत्याचार किए गए। अब हम देखेंगे विभाजन के परिणाम। आखिर विभाजन हो गया, लेकिन उस विभाजन के रिजल्ट क्या देखने को मिले, विभाजन का आखिरकार परिणाम क्या निकला। तो लिखता है, सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गई, विवश हो गई। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। जो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते वो मजबूरन भारत में आएंगे, और जो भारत में नहीं रहना चाहते हैं मुस्लिमों की आबादी, वो पाकिस्तान में जाएंगे। तो दोनों तरफ से लोग एक दूसरे के यहाँ आ रहे थे, भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से कई लोग भारत में भी आए। तो एक जगह की आबादी दूसरी जगह आ रही थी, जा रही थी। आबादी क्या है, जो स्थानांतरण था ये त्रासदी से भरा था। यानी जहाँ भी वो मिल रहे थे बॉर्डर पर, वहाँ भिड़ जा रहे थे, वहाँ मारपीट करने लग रहे थे, हिंसा कर दे रहे थे। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बिरहमी से मारा। यानी लोगों को भी पता चल गया कि यह जो देश का बंटवारा हुआ है हिंदू और मुस्लिमों के नाम पर हुआ है। यानी पाकिस्तान मतलब कि मुस्लिम और हिंदुस्तान मतलब कि हिंदू। यानी उनको पता चल गया कि भारत में केवल मुस्लिम हिंदुओं की आबादी रहेगी और पाकिस्तान में केवल मुसलमानों की आबादी। उनके मन में एक धारणा बन गई और इस वजह से एक समुदाय के विशेष के नाम पर लोगों ने एक दूसरे को पूरा बेरहमी से मारा, हिंसा किया। और इस हिंसा में लाहौर, अमृतसर जो पंजाब में है, और कोलकाता जो पश्चिम बंगाल में है, ये तीनों शहर सांप्रदायिक शहर जो थे अखाड़े में तब्दील हो गए। यानी यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिली। जिन इलाकों में ज्यादातर हिंदू अथवा सिख आबादी थी, उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम इन इलाकों में जाएंगे जहाँ हिंदू और सिख रह रहे हैं तो हमें मार कर चूर देंगे। ठीक उसी तरह भी हिंदुओं और मुस्लिमों ने भी समझ लिया कि हम मुस्लिमों वाले इलाके में नहीं जाएंगे, क्योंकि वे अभी गुस्से में हैं और उनके अंदर हिंसा भड़की हुई है, तो हमें हिंसा का सामना करना पड़ सकता है, हमें चोट हो सकती है। तो दोनों तरफ से लोगों ने आना जाना छोड़ दिया दूसरे पक्ष के इलाके में। यानी हिंदुओं और सिखों ने तो मुसलमानों के इलाकों में जाना छोड़ दिया, और मुसलमानों ने हिंदुओं और सिखों के इलाके में आना छोड़ दिया। अब हम देखेंगे, वे लोग सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ गए, जो लोग थे भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आए, सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ आए,
और इस क्रम में आने जाने के क्रम में लोगों को बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा, लोगों को कष्ट उठाने पड़े। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए, यानी अपने अपने घरों को छोड़ दिए, यानी जो पाकिस्तान में जिनका घर पड़ गया और वे पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते थे तो अपने घर को छोड़कर वो भारत आए और उन्हें शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। कल तक जो लोगों को अपना वतन हुआ करता था, जो लोगों का अपना देश हुआ करता था, वहीं की पुलिस, वहीं का प्रशासन इन लोगों के साथ रुखाई का बर्ताव कर रहा था, उनको मार रहा था, उनको पीट रहा था, हिंसा के साथ पेश आ रहा था। लोगों को सीमा के दूसरी तरफ जाना पड़ा, यानी कई लोग तो भारत से पाकिस्तान गए और कई लोग पाकिस्तान से भारत आए। अक्सर लोगों ने पैदल चलकर यह दूरी तय की थी, यानी ना किसी भी प्रकार के वाहन का इन्होंने सहारा नहीं लिया। इन्होंने ये जो दूरी है भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से आने का सिलसिला में पैदल ये दूरी चलकर तय की। सीमा के दोनों तरफ, दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया और उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी, यानी औरतों के साथ उन्होंने जबरन शादी की और अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया। अगवा करने वालों का भी धर्म अपनाना पड़ा, यानी मान लीजिए कि कोई मुस्लिम युवक है और किसी हिंदू महिला को अगवा करता है तो साथ साथ शादी करेगा, साथ साथ उसे मुस्लिम भी बना देगा, यानी उसका धर्म परिवर्तन करा देगा। ठीक, अगर कोई हिंदू है, हिंदू मुस्लिम महिला है और हिंदुओं को झांसे मार जाता है, हिंदू पुरुषों के, तो उसे शादी भी करता है, साथ साथ उसको हिंदू भी बना देता है, यानी उनका धर्म परिवर्तन भी करा देता है। और कई केसेस ऐसे देखे गए हैं, कैसे कई मामले ऐसे देखे गए जिसमें यह भी हुआ कि खुद परिवार के लोगों ने, जिस परिवार के लोगों की महिला संबंधित थी, उन परिवार के लोगों ने खुद अपनी इज्जत बचाने के नाम पर अपने घर की बहू बेटियों को मार डाला, उनको जिंदा जला दिया, मार दिया, ताकि उनके कुल और खानदान की इज्जत बची रहे। आगे लिखता है कि बहुत से बच्चे, अब इस दौरान बहुत से जो बच्चे थे, छोटे छोटे थे, जिनकी उम्र 10 से 15 वर्ष की थी, वे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। जो लोग सीमा पार करने में किसी भी तरह सफल हो गए, उन्हें सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में जिंदगी काटनी पड़ी, यानी उसको किसी भी प्रकार का स्थायी निवास नहीं मिल पाया, उन्हें कई वर्षों तक शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा। विभाजन में सिर्फ संपदा, संपदा या फिर देनदारी या फिर परिसंपत्तियों का ही बंटवारा नहीं हुआ था। इस विभाजन में दो समुदाय जो अब तक पड़ोसियों की भांति रहते आ रहे थे, हिंसा का शिकार हुए, यानी हिंदुओं और मुसलमानों की बात की जा रही है। ये दो जो दो समुदाय थे, हिंदू और मुस्लिम, जो पड़ोसी की भांति रहते आ रहे थे, एक भाईचारगी की जो रिश्ता था वो निभाते आ रहे थे, वो रिश्ता टूट गया और सभी लोग हिंसा का शिकार हुए। इसमें संपदा, देनदारी, परिसंपत्ति का बंटवारा तो हुआ ही, साथ साथ पाकिस्तान और भारत के बीच में टेबल कुर्सी, टाइपराइटर हो या फिर पुलिस के जितने भी वाद्य यंत्र थे, उन सभी का बंटवारा हुआ है। जितने भी राज्य भारत के कोष थे, जो जहां धनराशि रखी जाती थी, उनका भी बराबर बराबर बंटवारा हुआ। सरकारी और रेलवे के कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ, यानी कुल मिलाकर हर एक चीज का बराबर बराबर बंटवारा किया गया भारत और पाकिस्तान के बीच में। आगे लिखता है कि अब तक साथ साथ रहते आए दो समुदायों का यह हिंसक और भयावह विभाजन था। विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा के पार जाना पड़ा, सीमा के आर पार जाना पड़ा। विभाजन की हिंसा में तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों की ने अपनी जान गंवाई। आपको विश्वास नहीं होगा कि यह आंकड़ा जो है कितना बड़ा है, यानी विभाजन के कारण, भारत और पाकिस्तान बनने के कारण केवल 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 5 से 10 लाख लोग मारे गए और 80 लाख लोगों ने तो अपना घर बार छोड़ दिया, यानी वे बेघर हो गए। पूरे विश्व में यह ऐसी जो विभाजन है बहुत ही दयनीय माना गया, बहुत ही दयनीय माना गया, यानी जो विश्व के अलग अलग देश थे उन्होंने भारत के विभाजन को एक अलग दृष्टि से देखा, उन्होंने मजाक उड़ाया। आगे लिखता है विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई, यानी बनाया ही गया था कि जो भी मुस्लिम आबादी है वो पाकिस्तान नाम के देश में रह सकते हैं। तो मुस्लिमों को लगा कि जो पाकिस्तान है वो केवल मुस्लिमों के लिए बना है, तो कई सारे लोगों के दिमाग में यही चल रहा था कि हम पाकिस्तान चल जाएंगे क्योंकि हम मुस्लिम हैं। इसके बावजूद 1951 में भारत की कुल आबादी में 12% मुसलमान थे, यानी जब
भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, तो जब मामला शांत हुआ तो देखा गया कि अभी भी भारत में 12% मुसलमान थे। मुस्लिम लीग का गठन मुख्य रूप से भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए हुआ था। मुस्लिम लीग का गठन पाकिस्तान बनाने के लिए नहीं हुआ था, उसका गठन किया गया था ताकि भारत में जो मुसलमान रह रहे हैं उनके लिए कोई भी समस्या को आवाज़ को उठाया जा सके, उनके हितों की रक्षा किया जा सके, इसीलिए उसका गठन किया गया था। लेकिन उन्होंने अपने विचारधारा को बदल दिया और पाकिस्तान नाम के एक अलग राष्ट्र की मांग करने लगे। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग करने के लिए प्रेरित थे। हालांकि सरकार के अधिकतर नेता सभी नागरिकों को समान दर्जा देने के हामी थे, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की मांग जरूर कर रहे हैं लेकिन सभी नागरिकों को समान दर्जा दिया जाएगा। वे ऐसा कर रहे थे, हामी भर रहे थे, चाहे नागरिक किसी भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म का हो, वे ऐसा कह रहे थे जो मुस्लिम लीग के नेता थे। लेकिन उनका विचारधारा है जो बहुत ही जल्द बदल गई और मुसलमानों के हितों की भलाई के करने के लिए उन्होंने एक अलग पाकिस्तान राष्ट्र की मांग कर दी जिसमें केवल और केवल पाकिस्तानों के लिए जगह थी। ठीक है, ये भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहते थे जो मुस्लिम लीग के नेता थे। कोई भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहते थे जहां किसी एक धर्म के अनुयायियों को दूसरे धर्मावलंबियों के ऊपर वरीयता दी जाए। यानी मुस्लिम लीग के नेता यह नहीं चाहते थे या भारत के नहीं देखना चाहते थे कि किसी एक धर्म के अनुयायियों को दूसरे धर्मावलंबियों के ऊपर वरीयता दी जाए, यानी किसी खास धर्म को वरीयता दी जाए या फिर किसी एक धर्म के विश्वासियों के मुकाबले बाकियों को हीन समझा जाता हो। वे ऐसा नहीं मानना चाहते थे। वे मानते थे कि नागरिक चाहे किसी भी धर्म का हो, जिस धर्म का हो, उसका दर्जा बाकी नागरिकों के बराबर ही होना चाहिए। हमारे नेतागण धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श के हिमायती थे। उन्होंने ऐसी बात तो कही, वे मानते थे कि नागरिक चाहे जिस भी धर्म का हो उसका दर्जा बाकी नागरिकों के समान होना चाहिए। हालांकि उन्होंने ऐसा किया नहीं, बस यह लिखे के लिखी रह गई बातें। जो हमारे नेता थे, भारत के जो नेता थे, वे धर्मनिरपेक्ष राज्य के हिमायती थे, धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श के हिमायती थे। वे चाहते थे कि भारत में भी ऐसी स्थितियां ना हो जो पाकिस्तान में हो गई हैं और भारत में सभी लोगों को, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध किसी भी धर्म के नागरिक हों, उनको सभी सुविधाओं का लाभ, सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ समान दिया जाएगा और धार्मिक रूप से या फिर सांस्कृतिक रूप से जो भी पिछड़े हुए हैं लोग हैं उन्हें विशेष वरीयता दी जाएगी हमारे देश में। तो ये जो भारत के नेता थे उनका यही आदर्श था, यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य के वे आदर्श के हिमायती थे। तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट वन है चैप्टर फर्स्ट का वो कंप्लीट हो चुका है और इसका जो अगला पार्ट है पार्ट टू वो आएगा आगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खोला हुआ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।